हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रितेश। REST API सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये टर्म हर जगह सुनने को मिलता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 90% ऑफ द टाइम REST APIs पे ही काम करता है। जॉब इंटरव्यूज में तो REST APIs के क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट REST API, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने ये समझा था कि वेब जो है ये एक कंसेप्ट है और वेब इंटरनेट जो कि एक फिजिकल नेटवर्क है उसी पे बेस्ड है। बिना इंटरनेट के वेब काम ही नहीं करता। एक वेब एप्लीकेशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा। यहाँ पे बैकएंड है, फ्रंट एंड है और उसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी हैं। फ्रंट एंड बैकएंड से HTTP प्रोटोकॉल यूज करके कम्युनिकेट करता है। HTTP प्रोटोकॉल एक तरीके से वेब की फाउंडेशन है, वेब इसी पे टिका है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने ये सारे वीडियोस मिस कर दिए हैं तो लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की कहानी इसके आगे से शुरू होती है और जो आज की कहानी का मेजर हाईलाइट है वो ये है कि HTTP प्रोटोकॉल के अंदर एक फंडामेंटल दिक्कत है और उसी दिक्कत का सोल्यूशन है REST। दिक्कत क्या है वो अभी थोड़ी देर में समझते हैं, पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टेक वाली जॉब्स को भी इन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ पे जितने भी डोमेन्स देख रहे हैं टेक रिसोर्सेज भी इन्हीं डोमेन्स में काम करते हैं। टेक रिसोर्सेज मतलब कि मैं और आप, वो लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। एक कंपनी के अंदर कितनी टीम्स होंगी, एक टीम के अंदर कितने लोग होंगे, ये कंपनी की साइज पे डिपेंड करता है। जब मैं स्टार्टअप में काम करता था तब दो चार टीम्स ही हुआ करती थी, पर एक बड़ी कंपनी जैसे कि अडोबी या उबर के अंदर एक डोमेन में भी 100-200 टीम्स हो सकती हैं। आप जिस डोमेन में काम करते हो आपका जॉब इंटरव्यू भी उसी के हिसाब से होता है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर जगह यूज होती हैं। REST APIs भी उनमें से एक है। REST APIs हर जगह यूज होती हैं। बैकएंड REST APIs प्रोवाइड करता है, क्लाइंट REST APIs को यूज करके बैकएंड से कम्युनिकेट करता है। जब मैंने ड्रोन डिलीवरी वाले प्रोजेक्ट पे फर्स्ट टाइम काम किया था तब मुझे पता चला कि जो ड्रोन है वो भी एक तरीके से REST इंटरफेस ही एक्सपोज करता है। आप ड्रोन के REST इंटरफेस को यूज करके ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो कि उसको किस एल्टीट्यूड पे फ्लाई करना है, उसको कहां कहां लेके जाना है ड्रोन को, उसका पाथ आप REST APIs के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। तो अब वापस आते हैं HTTP की दिक्कत पे। दिक्कत यह है कि HTTP बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल है। अब आप बोलोगे कि फ्लेक्सिबल होना तो अच्छी बात है, बट फ्लेक्सिबल होने से कुछ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके समझाता हूँ। फर्स्ट, आप सर्वर को किसी भी फॉर्म में डाटा सेंड कर सकते हो, जैसे कि प्लेन टेक्स्ट डाटा हो गया या HTML डाटा, बाइनरी डाटा, जेसन डाटा या कुछ और ही। और इसी तरीके से सर्वर भी आपको किसी भी फॉर्मेट में डाटा सेंड कर सकता है कि प्लेन टेक्स्ट डाटा सेंड कर सकता है, जेसन डाटा, बाइनरी डाटा एंड सो ऑन। अब आप कौन सा फॉर्मेट चूज करोगे ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है एक तरीके से। सेकंड, आप किसी भी टाइप से रिक्वेस्ट URLs को डिफाइन कर सकते हो। HTTP स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई ऐसा कोई रूल या कोई लिमिटेशन नहीं है कि URL इसी टाइप का होना चाहिए। आप यहाँ पे अभी साइड में बहुत सारे URLs देख रहे होगे, तो अब लॉगिन वाली API के लिए कौन सा URL वैलिड है इसका क्या जवाब होगा? एक तरीके से देखा जाए तो ये सारे URLs ही वैलिड है। मैंने आपको यहाँ पे दो ही एग्जांपल्स दिए हैं, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब वेब नया नया आया था तब सिर्फ वेबसाइट्स ही एग्जिस्ट करती थी, स्मार्टफोन्स और टीवीज तो आए भी नहीं थे, पर आज के डेट में इतने सारे डिवाइसेज एग्जिस्ट करते हैं और जो नॉर्मल डिवाइसेज हैं वो भी स्मार्ट डिवाइसेज बन रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट ACs और स्मार्ट कार्स या फिर स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी वेब एप्लीकेशंस हैं वो एक यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रोवाइड करें, ताकि जो भी डिवाइसेज हैं वो एक यूनिफॉर्म तरीके से वेब पे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। अगर हर एक डिवाइस अपने हिसाब से कम्युनिकेशन करने लगेगा तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है और मतलब एकदम खिचड़ी मच जाएगी कि कौन सा स्टैंडर्ड वैलिड है कौन सा नहीं है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी दुनिया में। और इसी का सॉल्यूशन है REST। एकदम सिंपल लैंग्वेज में REST एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है। REST आर्किटेक्चरल स्टाइल में कुछ प्रिंसिपल्स और कंस्ट्रेंट्स डिफाइंड है। अगर हम इन प्रिंसिपल्स और कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रख के अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं तो सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो एक वेब स्केल को हैंडल करने के लिए चाहिए। तो REST को समझने के लिए हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये प्रिंसिपल्स और कंस्ट्रेंट्स हैं क्या। REST आर्किटेक्चरल स्टाइल को सबसे पहले रॉय फील्डिंग ने 2000 में पब्लिश किया था। उस टाइम पे रॉय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन कैंपस से PhD कर रहे थे। आज के टाइम पे रॉय एडोबी में एज ए सीनियर कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉब करते हैं। जो उन्होंने REST पे थीसिस लिखी थी वो लगभग 200 पेजेस की थी, बट हम एकदम सिंपल तरीके
तरीके से REST को 6 पॉइंट्स के अंदर समराइज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। REST स्पेसिफिकेशन ये कहता है कि किसी भी वेब एप्लीकेशन को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस होना चाहिए। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि क्लाइंट और सर्वर दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं। दोनों को अलग अलग बिल्ड किया जाता है, दोनों को अलग अलग डेवलप किया जाता है, दोनों के अलग अलग रिलीज साइकिल्स होती हैं। सर्वर कुछ APIs एक्सपोज करता है जिसको क्लाइंट यूज करके सर्वर से कम्युनिकेट करता है। सर्वर के अंदर इंटरनली रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस होती है उसका क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं है। क्लाइंट को तो सिर्फ API स्पेसिफिकेशन से मतलब है। अब इससे फायदा क्या है? एक ऑब्वियस फायदा तो यह है कि क्लाइंट और सर्वर दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों को अलग अलग तरीके से डेवलप किया जा सकता है, दोनों को अलग टेक्नोलॉजी यूज करके डेवलप किया जा सकता है, दोनों के रिलीज साइकिल्स अलग हैं, दोनों को बिल्ड करने में अलग अलग स्किल्स की नीड होती है, तो इन दोनों की टीम्स भी अलग अलग हो सकती हैं और दोनों में एक तरीके से लूज कपलिंग बन जाती है। और दूसरा फायदा यह है कि सर्वर को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी APIs कौन कंज्यूम कर रहा है। अब वो क्लाइंट मोबाइल ऐप भी हो सकती है, वो क्लाइंट वेबसाइट भी हो सकती है, सर्वर इन दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। सर्वर दोनों की रिक्वेस्ट को एक ही तरीके से प्रोसेस करेगा, तो इससे फायदा यह हो गया कि एक ही APIs को मल्टीपल क्लाइंट्स कंज्यूम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज स्टेटलेसनेस। स्टेटलेसनेस का मतलब यह है कि सर्वर हर एक रिक्वेस्ट को नई की तरह ही ट्रीट करेगा। पहले जो रिक्वेस्ट आई है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर के अंदर स्टोर नहीं होती। सेशन का मतलब कोई कंसेप्ट है ही नहीं। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इमेजिन करो कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको लॉगिन करने की और टिकट्स बुक करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। तो लॉगिन करने के बाद क्लाइंट को एक्सेस टोकन कहीं सेव करके रखना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद आगे की सारी APIs में क्लाइंट को वो एक्सेस टोकन सर्वर को पास करना पड़ेगा। सर्वर उस एक्सेस टोकन को वैलिडेट करके ही आपको टिकट बुक करने की परमिशन देगा। अगर आपके पास एक्सेस टोकन नहीं है तो आप टिकट्स बुक करने वाली API को भी कॉल नहीं कर सकते। सर्वर के अंदर इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती कि इस बंदे ने पहले लॉगिन किया हुआ है तो मैं इसका सेशन क्रिएट कर देता हूं और उसको फिर आगे की APIs को कंज्यूम करने की परमिशन दे देता हूं। हर एक API नए की तरह ही ट्रीट होती है, कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं होती। एक API को आप एक बार कॉल करो चाहे 50 बार कॉल करो, वो एक जैसी ही होगी। थर्ड पॉइंट इज कैशेबिलिटी। सर्वर के किसी भी रेस्पॉन्स को कैशेबल होना चाहिए। कैशेबल होना चाहिए का मतलब यह है कि अगर जरूरत पड़े तो क्लाइंट सर्वर के किसी भी रेस्पॉन्स को कैश कर सकता है। अब किस रेस्पॉन्स को कैश करना चाहिए और अगर कैश कर रहे हैं तो कितने टाइम तक कैश कर रहे हैं, ये सर्वर आपको एक्सप्लिसिटली खुद बताएगा, आपको मतलब किसी क्लाइंट को। अब सर्वर कैसे क्लाइंट को बताएगा ये डिटेल्स, तो आपको ये पता होगा कि जो HTTP प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर HTTP रेस्पॉन्स हेडर्स होते हैं। तो सर्वर एक रेस्पॉन्स हेडर सेंड करता है जिसको रीड करके क्लाइंट ये पता लगा सकता है कि ये रेस्पॉन्स कैशेबल है या नहीं। वो जो रेस्पॉन्स हेडर होता है वो होता है कैश कंट्रोल। तो कैश कंट्रोल हेडर के थ्रू सर्वर क्लाइंट को ये कम्युनिकेट करता है कि ये रेस्पॉन्स कैशेबल है या नहीं है। तो अब इससे फायदा क्या है? अब इससे एक ऑब्वियस फायदा ये है कि आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलती है। ऐसा डाटा जो बार बार रियल टाइम पे चेंज नहीं हो रहा, सर्वर उसको एक बार कॉल करके कैश करके रख सकता है, तो नेक्स्ट टाइम उस डाटा की नीड पड़ेगी तो उसको बार बार नेटवर्क कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलेगी क्लाइंट को। फोर्थ पॉइंट इज लेयर्ड सिस्टम। REST स्पेसिफिकेशन ये कहता है कि एक वेब एप्लीकेशन को लेयर्ड सिस्टम यूज करके ही बिल्ड करना चाहिए। लेयर्ड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हम एक बड़े से कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे इंडिविजुअल लेयर्स में ब्रेक कर देते हैं। हर एक लेयर अपनी ऊपर वाली लेयर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अपनी नीचे वाली लेयर से कुछ सर्विसेज कंज्यूम करती है। आप एक लेयर को इस तरीके से इमेजिन करो कि एक लेयर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स रन हो रहे हैं और हर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट अपने नीचे वाले लेयर के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को API कॉल करके कुछ सर्विसेज उससे कंज्यूम कर रहा है। इसको एक एग्जांपल लेके समझते। मान लो कि आपको एक यूजर प्रोफाइल पेज का सिस्टम बनाना है और यूजर प्रोफाइल पेज के अंदर आप चार काम कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप इसको दो लेयर्स में डिवाइड कर सकते हो। ऊपर वाली लेयर में आपने एक सिंगल सर्विस बना दी यूजर प्रोफाइल पेज की, जो बाहर का आपका क्लाइंट होगा जो भी फ्रंट एंड वगैरह है वो डायरेक्टली इस सर्विस के APIs को कॉल करेगा, और इसके नीचे वाली लेयर में आपने चार इंडिविजुअल सर्विसेज बना दी हर एक काम के लिए। अब अगर आपको फ्रेंड्स की डिटेल देखनी है तो ये जो ऊपर वाली लेयर के अंदर कंपोनेंट है ये फ्रेंड्स वाली सर्विस को कॉल कर लेगा नीचे। अगर आपको कोई और डिटेल देखनी है तो वो उसकी दूसरी सर्विस को कॉल कर लेगा। अब इससे फायदा क्या है? आप खुद ही इमेजिन करो कि इस तरीके से एप्लीकेशन बिल्ड करने में आप किसी एक बड़े से कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्ट्स में
ब्रेक कर देते हो, यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट लागू होता है डिवाइड एंड कंकर वाला। और दूसरा फायदा यह है कि इस तरीके से लेयर सिस्टम बिल्ड करने में जो सिस्टम के कंपोनेंट्स की आपस में डिपेंडेंसीज है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। एक जो लेयर होती है वो अपने ऊपर वाले और नीचे वाली लेयर से ही कम्युनिकेशन करती है, तो उसको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि बाकी लेयर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रही है। उसको तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि मेरी ऊपर वाली लेयर क्या APIs एक्सपोज कर रही है और मेरी नीचे वाली लेयर क्या APIs एक्सपोज कर रही है, बाकी सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से ना आप एक तरीके से डिपेंडेंसी को काफी इजीली मैनेज कर सकते हो। एक जो बड़ा सिस्टम होता है, जैसे कि मतलब आप सोच लो कि YouTube है जैसे, या फिर एक Bing है, या फिर कोई भी और सिस्टम है, वो इतने बड़े सिस्टम्स हो जाते हैं कि उनके अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं कि अगर आप लेयर्ड फॉर्म में उन कंपोनेंट्स को डेवलप नहीं करोगे तो एकदम खिचड़ी मच जाएगी और इट वुड बी अ नाइटमेयर टू मैनेज। फिफ्थ पॉइंट इज यूनिफॉर्म इंटरफेस। एक चीज जो रेस्ट को बाकी आर्किटेक्चरल स्टाइल से अलग करती है वो है यूनिफॉर्म इंटरफेस। यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रिंसिपल की वजह से ही आज रेस्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हो पाया है। यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब ये है कि कोई भी वेब एप्लीकेशन जो वेब पे किसी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि लॉग इन या फिर टिकट बुकिंग, उसको एक यूनिफॉर्म तरीके से बिहेव करना चाहिए। अब यूनिफॉर्म तरीके से बिहेव करने का जर्नल मतलब ये हुआ कि चाहे मैं एक बार लॉगिन करूं, चाहे मैं 10 बार लॉगिन करूं, एक बार टिकट बुक करूं, चाहे मैं 10 बार टिकट बुक करूं, सर्वर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर्वर तो हर एक केस में एक जैसा ही बिहेव करेगा। पहले केस में अगर मैंने लॉगिन किया उसने अलग तरीके से बिहेव किया, दूसरे केस में मैंने लॉगिन किया उसने अलग तरीके से बिहेव किया, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई ना। यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब यहाँ पे ये भी है कि चाहे मैं मोबाइल से लॉगिन करूं, चाहे मैं डेस्कटॉप से लॉगिन करूं, चाहे मैं वेबसाइट से लॉगिन करूं, चाहे मैं किसी भी डिवाइस से सर्वर से कम्युनिकेशन करूं, सर्वर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन सारे डिवाइसेस के केस में भी सर्वर को एक यूनिफॉर्म तरीके से बिहेव करना चाहिए। और लास्ट में यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब ये भी हुआ कि एक सिस्टम के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे रिसोर्सेज की APIs को यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूवी बुकिंग करने के लिए तो आप पोस्ट API का यूज कर रहे हो, बट क्रिकेट मैच की बुकिंग करने के लिए आप पुट APIs का यूज कर रहे हो। सिक्स्थ पॉइंट इज कोड ऑन डिमांड। सिक्स्थ पॉइंट ऑप्शनल है और इसका मतलब ये है कि सर्वर टेम्पररी बेसिस पे किसी क्लाइंट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड या कस्टमाइज कर सकता है। सर्वर ये कैसे करता है? सर्वर टेम्पररी बेसिस पे क्लाइंट को कुछ कोड सेंड कर सकता है और उस क्लाइंट वो कोड एग्जीक्यूट करता है। अब ये पॉइंट ऑब्वियसली ऑप्शनल है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। आप खुद ही इमेजिन करो कि आपके डिवाइस में किसी अननोन सोर्स से आया हुआ कोड कितना डैमेज क्रिएट कर सकता है। ये कंसेप्ट 2000 के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर था, आज के टाइम में इसको कोई भी यूज नहीं करता और किसी भी अननोन सोर्स से आया हुआ कोड किसी भी क्लाइंट पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपके लैपटॉप्स और मोबाइल से वो 100% सेफ है। हम REST आर्किटेक्चरल स्टाइल को इन 6 पॉइंट्स के फॉर्म में समराइज कर सकते हैं। REST आर्किटेक्चरल स्टाइल का फंडामेंटल पर्पस यही है कि वेब को थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर सकें ताकि हर एक डिवाइस एक यूनिफॉर्म तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर सके। और पिछले 10-15 सालों में REST इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि आज के टाइम पे हर एक जगह पे REST ही यूज होता है। मतलब एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में तो जरूर सुना होगा, तो जीरोधा है जैसे, या फिर एंजल वन है, या ग्रो है, ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ये जितने भी ब्रोकर्स हैं, ये एक तरीके से आपको REST APIs प्रोवाइड करती हैं। तो आप REST APIs यूज करके मार्केट में आप ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप REST APIs यूज करके अपनी पोजीशंस भी बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में REST की डिटेल थीसिस का भी लिंक ऐड कर दिया है, शायद आप में से कोई दिलेर हो जो उसको जाके पढ़ना चाहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन प्रिंसिपल्स में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हुए जाओ, और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, सोशल मीडिया पे। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।